दोस्तों एसी टाइम टेबल सॉफ्टवेयर में, मतलब जो स्कूल का टाइम टेबल जनरेट करने वाला जो सॉफ्टवेयर होता है ना, उसमें मुझे इस प्रकार से मेरी कंडीशन है कि मेरे जो सब्जेक्ट है और जो क्लास है उसमें, यहाँ पे अगर आप देख सकोगे ना, तो यहाँ पे मैंने इंग्लिश का लेसन दिया हुआ है और मैं चाहता हूँ कि वो हर दिन में सेम नंबर के पीरियड पे आ जाए। मतलब अगर यहाँ पे ये मंडे को 4 नंबर पे आया है ना, तो मुझे लगता है कि ये ट्यूसडे को भी 4 नंबर पे आए, यहाँ पे थर्सडे को भी 4 नंबर पे आए, फ्राइडे को इसने 4 नंबर पे डाला है, लेकिन सैटरडे को आप देखोगे ना तो यहाँ पे इसने 5 नंबर पे डाला है। मतलब हर दिन में ये सेम पीरियड जो है, मतलब अंग्रेजी का ही पीरियड होगा, लेकिन अगर 2 नंबर पे आया है, मंडे को 2 नंबर पे है, तो ट्यूसडे को भी चाहिए, वेनेसडे को भी चाहिए, मतलब सभी डेज को मुझे ये 2 नंबर पे चाहिए। मैंने कुछ इस प्रकार से मैंने क्या किया है, देखिए आप यहाँ पे टीचर में जाकर ये लेसन में किस प्रकार से दिया है, मैं आपको एडिट करके एक बार दिखा देता हूँ। तो हम इसी प्रकार से लेसन दे देते हैं, मतलब यहाँ पे टीचरों का नाम आ जाएगा, यहाँ पे सब्जेक्ट आता है, नीचे क्लास है और यहाँ पे लेसन पर वीक हमने दिया हुआ है। ओके, और दोस्तों यहाँ पे मैं जनरेट करता हूँ ना, तो ये क्या करता है, रैंडमली किसी भी नंबर पे जो लेसन है ना उसको डाल देता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे टाइम टेबल को जनरेट किया, ओके, अभी यहाँ पे देखिए इसने यहाँ पे मंडे को 4 नंबर पे डाला, अब यहाँ पे इसने ट्यूजडे को 4 नंबर पे डालना चाहिए था, लेकिन इसने यहाँ पे 6 नंबर पे डाला। ओके, अब मुझे थर्सडे को फिर इसने 6 नंबर पे डाला है, फ्राइडे को 4 नंबर पे डाला है और सैटरडे को 3 नंबर पे, तो मैं चाहता हूँ कि ये 2 नंबर पे, 3 नंबर पे, कहीं पे आए, लेकिन हर डे का सेम आए। तो दोस्तों इसके लिए मैं आपको एक सेटिंग यहाँ पे बताने वाला हूँ। आपको करना यह है कि आप जाइए टीचर में, ठीक है, आप क्लासेस में जाकर, सब्जेक्ट में जाकर भी ये सेटिंग कर सकते हो। यहाँ पे जो लेसन दिया है ना, इसको दोस्तों हमें एडिट करना है। ओके, यहाँ पे देखिए एडिट करेंगे। अब एडिट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे हमें क्या है, लेसन पर वीक, आप यहाँ से चूज करते हो ना लेसन पर वीक को, तो दोस्तों यहाँ से आपको यहाँ पे एक ई मिलेगा। ओके, ये ई को आपको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। आपने क्या किया, 6 की जगह मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया ई को। ई का मतलब दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ई का मतलब है एवरीडे। अब एवरीडे से इसके कितने काउंट आएंगे मैं ये भी आपको क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने ओके कर दिया और यहाँ से मैं क्लोज करूंगा, तो एवरीडे से मेरा काउंट आ गया दोस्तों यहाँ पे 6। अब ये 6 क्यों आया है ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये 6 आने का मतलब क्या है कि आप यहाँ पे स्कूल पे जाओगे ना, और यहाँ पे दोस्तों आपके नंबर ऑफ डेज आपने यहाँ पे कितने सिलेक्ट किए हैं। अगर आपने नंबर ऑफ डेज 5 सिलेक्ट किए हैं, तो ई का मतलब है वहां पे 5 काउंट आएगा। अगर आपने नंबर ऑफ डेज 7 सिलेक्ट किया है, तो यहाँ पे ई का मतलब होगा 7। तो यहाँ पे नंबर ऑफ डेज जो है मेरे 6 है, मंडे से सैटरडे तक, इसलिए इसका काउंट दोस्तों उसने क्या किया है, 6 मान लिया है ई का मतलब। अब दोस्तों मैं जब जनरेट करूंगा ना, तो मुझे ये जो लेसन थे वो कहीं पर भी जा रहे थे, तो वो कहीं पर भी नहीं जाएंगे। ओके, आप यहाँ पे देखिए इसने क्या किया है, अभी मंडे को 3रे नंबर पे डाला, ट्यूजडे को भी 3रे नंबर पे डाला, यहाँ पे वेनसडे को भी इसने 3 नंबर पे डाला, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, सभी को इसने 3 नंबर पे डाला है। ओके, मतलब अगर आपका किसी लेसन का काउंट अगर 6 है, मतलब आपके स्कूल के नंबर ऑफ डेज से मैच करता है, 6 से 6 मैच करता है, 7 से 7 मैच करता है, तो आपको वो जो लेसन है ना उसको आपको 6 की बजाय आपको करना ये है वहां पे ई सिलेक्ट करना है। आप ई कहाँ से सिलेक्ट करने वाले हो, जहां पे लेसन पर वीक जो आप यहाँ से लेते हो ना, इसमें से आप ई मतलब एवरी डे इस प्रकार से लोगे। अब दोस्तों आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि अगर लेसन पर वीक जो है हमारे 5 है, 4 है और नंबर ऑफ डेज हमारे 6 है, तो ऐसे में कैसे करें। तो दोस्तों आपको करना यह है कि आपके अगर काउंट 6 और 6 से ज्यादा है, मतलब नंबर ऑफ डेज से ज्यादा है, तभी आपको ये ई चूज करना है, ठीक है। आपको कम है, 6 से कम है, तो मत कीजिएगा। अगर दोस्तों आपके नंबर ऑफ डेज, ठीक है, 6 है और लेसन 7 है, तो भी आप ये कर सकते हो। इसके लिए दोस्तों आपको करना ये होगा कि आपने यहाँ पे ई लिया है और एक आपको न्यू लेसन दीजिए, मतलब अगर आपके लेसन पर वीक 7 है ना, तो भी आप ये सेटिंग कीजिए। तो उसमें से क्या होगा, देखिए यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सब्जेक्ट में इंग्लिश लूंगा, क्लास मैंने एक ही क्रिएट किया है डेमो के लिए, और यहाँ पे लेसन पर वीक मैंने 1 रखा है। ओके, मतलब 7 लेसन का मुझे करना है। अब 7 लेसन से मतलब क्या होगा, यहाँ पे इसका काउंट हो जाएगा 6 और यहाँ का हो जाएगा 1, 7। तो एक लेसन को ये क्या करेगा, रैंडमली कहीं पे भी डाल देगा, मतलब जो ई से बाहर है ना उसको ये कहीं पर भी डाल सकता है। अब आप यहाँ पे देखिए एक लेसन एक दिन में डबल आ जाएगा, लेकिन बाकी के जो डेज है ना उसमें यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, यहाँ पे भी 4 आ रहा है, 4 आ रहा है, और दोस्तों यहाँ पे इसने 1 नंबर को कहीं पे, मतलब ये क्या करता है, कहीं एक और जगह पर रैंडमली इस प्रकार से ये डाल देता है। तो दोस्तों इस प्रकार की आप सेटिंग कर सकते हो। दोस्तों ये जो सॉफ्टवेयर है ना, इसका अगर आपको लाइसेंस चाहिए, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने मेरा पर्सनल नंबर दे के रखा हुआ है, आप व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए या फिर सीधे मुझे कॉल कीजिए, मैं आपको लाइसेंस दिलाने में पूरी सहायता कर सकता हूँ।
दोस्तों इस प्रकार के और टेक्निकल के ट्रिक्स देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।